Hello guys, good evening. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. तो आज Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से 12th Physics में NCERT के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कितना मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा, करंट के वैल्यू पर क्या डिपेंडेंसी उसका होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। मींस मोस्टली हम लोगों को करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट डील करना है। मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मोस्टली हम लोग देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी वाली टर्म आएंगी, वहाँ पे आपको डेफिनेटली वेक्टर का कंसेप्ट पूरा पूरी ढंग से आना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर वापस से परेशान करेगा जिनका वेक्टर सही से पढ़ा हुआ नहीं है। तो जो लोग भी वेक्टर 11th में सही से नहीं पढ़े हैं, इसी YouTube चैनल पे जा करके अभी आप प्लेलिस्ट में देखोगे, वेक्टर के नाम से 11th फिजिक्स वेक्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर 11th में वेक्टर ही चल रहे हैं, जाकर के उसको आप सीरियसली पढ़ो, देन वापस से यहाँ आओ। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगातार डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएंगे, वहाँ से आपको परेशानी होंगी अगर वेक्टर का कंसेप्ट नहीं है तो। एक और चीज़, इस पूरे में चैप्टर में आपको हाथ घुमाने आने चाहिए। पढ़ोगे एक बार राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो इन सब चीज़ों में किसका क्या मतलब होते हैं, कैसे हम किसके डायरेक्शन में क्या करके कौन चीज़ निकालते हैं, इन सब चीज़ों का फंडा आना चाहिए। मीन्स कुल मिलाकर आप कह सकते हो इस पूरे चैप्टर में आपको डायरेक्शन परेशान करेगा। अगर ढंग से डायरेक्शन जज नहीं कर पाते हो तो न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल तो लोगे, लेकिन डायरेक्शन में लोचा फंसने के कारण क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं। तो बी केयरफुल एंड सीरियसली पढ़ेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। आज का स्टार्टिंग वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT ने चैप्टर का नाम दे रखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बट इसी को हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से। चलिए, तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट तो आपको समझ आता है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, लेकिन करंट में मैग्नेट की तरह बिहेवियर कैसे आता है, कैसे करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ओरस्टेड ने HC ओरस्टेड 1820 में देखा था। सही, पहले जरा मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिफाइन कर लेते हैं। हैं इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर then a magnetic field appear around the wire. क्या देखे, when electric current passes through any conductor then a magnetic field appear around the wire. This effect of current is called magnetic effect of current. Current का यह magnetic effect show कर रहा है. It is firstly observed by HC Ørsted, स्पेलिंग ढंग से देखेंगे यही स्पेलिंग है, HC Ørsted OERSTED in 1820 में फर्स्ट टाइम डेनिश साइंटिस्ट थे HC Ørsted, इन्होंने देखा कि करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। सडनली एक्चुअली ये
एक्सपेरिमेंट करके आ रहे थे समथिंग किसी करेंट कैरिंग वायर के आसपास से, उन्होंने कंपास को क्रॉस कराया तो देखा कि कंपास में हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। आप जानते हो कि फ्रीली सस्पेंडेड कंपास किधर आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आते हैं ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, लेकिन अगर कोई एडिशनल कहीं पे फील्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया और उसी के बेसिस पर ये बोल दिया कि करेंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है अगर उससे हम कुछ करेंट फ्लो करवा रहे हैं तो। क्लियर? तो देखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप कोई वायर लिए हो, इस वायर से करंट इस तरीके से आप फ्लो करा रहे हो, एक यहाँ पे ऐसे बैटरी जोड़ दिए तो डेफिनेटली करंट ऐसे फ्लो करेंगी एनोड से कैथोड की तरह ऐसे। तो इसके आसपास अगर हम देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। मीन्स इसमें अगर आप लेके आते हो कंपास तो ऐसे नॉर्थ साउथ कुछ अलग अलग डायरेक्शन में कुछ अलग अलग तरीके का डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है क्लियरली कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस आसपास में बन रहा है, क्योंकि यहां पर डिफ्लेक्शन नॉर्थ साउथ में होना चाहिए था लेकिन नॉर्थ साउथ में ना होके अलग अलग डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है अलग अलग पोजिशन को लोकेट करने पर। सही? मीन्स आप कह सकते हो कि इस करेंट कैरिंग वायर के आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही रहेगा जब तक यहाँ स्विच ऑन मोड है। जैसे ही स्विच ऑफ करोगे मीन्स करेंट का वैल्यू जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड वापस से जीरो हो जाएंगे। मीन्स एक चीज क्लियर हो रहा है कि जब तक करेंट का फ्लो हो रहा है तब तक इसके आसपास कोई ना कोई एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट कर रहा है और उसी के कारण इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसके आसपास कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कोई ना कोई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ। एक तो ऑब्जर्वेशन आपके पास ये दिख रहा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन और है। जैसे मान लो कि आपने एक प्लेन पेपर शीट लिया, एक तो रहा ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी है, आप गौर से देखोगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लेन सीट है, इस तरीके का एक प्लेन सीट है, इस पे आयरन डस्ट पूरा डाले हुए थे, इस पूरे पर ऐसे आयरन डस्ट डाले हुए थे और जस्ट इसके बीचों बीच हम ऐसे एक वायर क्रॉस किए और यहां से हम स्विच के माध्यम से इसको जोड़ दिए। यहां क्या है, स्विच ऑफ मोड है। स्विच ऑफ मोड है, स्विच ऑफ मोड है मतलब कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो इस पे जो भी आयरन डस्ट जहां हम फैला के रखे थे वहां पे फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही इस स्विच ऑफ को स्विच ऑन मोड में डालें, जैसे ही इस स्विच ऑफ को स्विच ऑन मोड में डालें, जो भी अपने पास ये आयरन डस्ट था इस तरीके से यहां पर स्विच ऑन किए, स्विच ऑन किए, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे करंट फ्लो होगा, यहां कुछ ना कुछ करंट फ्लो होंगे, यहां पर करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होंगे, स्विच ऑफ है। जैसे ही स्विच ऑन किए कुछ समय के बाद ये सारे आयरन पार्टिकल जो भी आयरन के डस्ट थे वो एक सर्कुलर वे में अरेंज हो गए, ये सारे आयरन पार्टिकल एक सर्कुलर वे में अरेंज हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है जिसमें सारे के सारे आयरन पार्टिकल सटा हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक चीज और देखने का कोशिश किया गया कि करेंट के वैल्यू पर इसका क्या डिपेंडेंसी हो रहा है। तो अगर इस करेंट के वैल्यू को बढ़ाया गया, मतलब नंबर ऑफ बैटरी बढ़ा दिए, करंट का वैल्यू अगर हम बढ़ाना शुरू किए तो समय के साथ ये सर्कल बड़ा होगा, करंट घटाओगे समय के साथ सर्कल छोटा होगा। मतलब एक चीज और दिखना शुरू हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रहे हैं वो करंट के वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो दो ऑब्जर्वेशन, एक ओरेस्टेड का ऑब्जर्वेशन ये और सेकेंडरी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटली क्लियरली दिखाता है कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द
कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ध्यान रहे कि 12th बोर्ड में पूछता है कि आप दो ऐसे एक्सपेरिमेंट या एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो जहां से आप बता सको कि करेंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। पिक्टोरियली इसी दोनों फील्ड को हम दिखा देंगे कि जैसे ही यहाँ कुछ चीज लेकर के आए तो यहाँ पर कंपास में डिफ्लेक्शन अलग अलग होने लगा। इसमें डिफ्लेक्शन नॉर्थ साउथ ऐसे है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो सकता है कि नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाए, यहाँ पर डिफ्लेक्शन नॉर्थ साउथ का ऐसे हो जाए। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में कंपास का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये आयरन डस्ट दिखा रहा है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ये दो ऑब्जर्वेशन है जहां से क्लियर हो रहा है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। कितना स्ट्रेंथ का होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ पे। बट ये दो मैग्नेटिक फील्ड होने का सबूत दिखा रहा है ये दो एक्सपेरिमेंट, नोट करेंगे। नोट करके चीज लिखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना इसके डायरेक्शन को कहां से मिले, डायरेक्शन आप कहां से जज करोगे। ये राइट हैंड थंब रूल, या इसी को बोलते हो राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल से अपने को किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बने हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन को दिखाएगा कौन, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, आप अपने दाहिने हाथ से उस करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ो ताकि करंट के डायरेक्शन में तुम्हारा अंगूठा रहे दाहिने हाथ का। देन जो रेस्ट फिंगर का कर्लिंग जा रहा है, ये रेस्ट फिंगर का कर्लिंग दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जानते हो किसी भी फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो उस पॉइंट का क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले यार इसको मतलब कुछ लिखेंगे नोट करके। राइट हैंड थंब रूल, या इसी को बोलते हैं स्क्रू रूल, दोनों एक ही चीज है, बट आप जाते देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ये कहता क्या है, दिस रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जज करने के लिए हम इन रूल का यूज करते हैं। इट स्टेट्स दैट, कहता क्या है, होल्ड द करेंट कैरिंग वायर विथ राइट हैंड सच दैट इफ सच दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ current, then curling of wrist forefinger
gives the direction of magnetic field lines, gives the direction of gives the magnetic field lines. Magnetic field lines and tangent drawn on it gives the direction of magnetic field at that point. क्लियर? देखेंगे क्या कह रहा है. होल्ड द करेंट कैरिंग वायर विथ राइट हैंड. करेंट कैरिंग वायर को दाहिने हाथ से पकड़ना है ऐसे, सच दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट. थंब जो होना चाहिए वो करेंट के डायरेक्शन में होने चाहिए. देन कर्लिंग ऑफ रिस्ट फोर फिंगर, ये चार जो रिस्ट के अंगुली बच गए इसके कर्लिंग जो बनेंगे, ये कर्लिंग क्या दिखाएगा? कर्लिंग ऑफ रिस्ट फोर फिंगर गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड के जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या दिखा देगा? उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू. क्लियर? जैसे मान लो कि एक करेंट कैरिंग वायर ऐसे दिखा रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में, लेफ्ट टू राइट एक करेंट कैरिंग वायर करेंट कैरी कर रहा है. मींस अगर पूछे कि इसके कारण इस ओरिएंटेशन में, मतलब वायर के ऊपर वाले पोजीशन में, वायर के नीचे वाले पोजीशन में, वायर के बगल में इस पोजीशन में, वायर के जस्ट बगल भीतर वाले पोजीशन में कैसा होगा फील्ड का डायरेक्शन, सही? तो करेंट कैरिंग वायर आपका ये रहा, इस डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ से रखो कि अंगूठा वो दिखा है. तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या कर रहा है? यहाँ ये देखो, इधर में कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या है? अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड. और इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड. जैसे ही करंट कैरिंग ये करोगे, ये कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ. अंगुली कहाँ घुस रहा है? अंदर की तरफ. एक चीज करोगे, नोट करके आगे लिखवा रहे हैं, कहीं भी व्हाइट बोर्ड पे या कहीं भी प्लेन पर ऐसा सिंबल, मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाता है और ऐसा सिंबल इनवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं. ये चीज आगे हम लिखवाते हैं नोट करके. जैसे मान लो यहाँ पे अगर करेंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करेंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करेंट अगर ऐसे फ्लो किए, मतलब राइट हैंड से अंगूठा के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे हो रहा है? कुछ ऐसे. तो कर्लिंग ऑफ फिंगर अगर ऐसे हो रहा है, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा. तो अगर ऐसा सर्कल बनेगा, मतलब इस ओरिएंटेशन में, कैसा फील्ड होगा? आउटवर्ड. और इस ओरिएंटेशन में इनवर्ड, मतलब इधर की तरफ फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड. और इधर की तरफ जो फील्ड होगा वो इनवर्ड. क्लियर है क्या? गौर से देखेंगे, अगर करंट कैरिंग वायर ही अंदर की तरफ हो, मतलब एक ये वायर है जिसमें अंदर की तरफ ऐसे करंट जा रहा है भीतर की तरफ इस व्हाइट बोर्ड पे, तो करंट अगर भीतर की तरफ जा रहा है, मतलब हम केवल उसका क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, ये नोटेशन आपको दिखा रहा है कि इसमें कोई चीजें हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ आई दिखा दिए, मतलब एक कोई वायर है जिस वायर से होते हुए करंट क्या जा रहा है? अंदर की तरफ. तो अगर करंट अंदर जा रहा है, मतलब अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर. तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज. देखो, कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज, मतलब इसके इर्द गिर्द फील्ड कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज ऐसा ये बनेंगे. तो इस पॉइंट पर अगर कोई इंटेंसिटी पूछे, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, मान लो ये पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी एट पॉइंट ए. ये पॉइंट अगर पी है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल बी से दिखाते हैं. इस पॉइंट पर अगर कोई पूछे तो जस्ट टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर पूछे तो जस्ट इस डायरेक्शन में. तो अगर वायर ऐसा है, इस लोकेशन में ऐसे फील्ड, इस लोकेशन में ऐसे फील्ड, इस लोकेशन में ऐसे और इस लोकेशन में ऐसे. बट अगर वायर ऐसा है,
वायर ही ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस लोकेशन में, जस्ट इधर की तरफ, इस लोकेशन में जस्ट इधर की तरफ, इस लोकेशन में मेरे तरफ, और इस लोकेशन में ऐसे। सिंपल है, करंट के डायरेक्शन में वायर पकड़ो, अंगूठा के डायरेक्शन में, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर कर दो। यही कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या दिखा देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे फ्लो करते तो अंगूठा अपना ऐसे घूमता, देन ऐसा सर्कल बनता। अगर करंट ऐसे फ्लो होता तो अंगूठा ऐसे घुमा रहा, मतलब सर्कल ऐसा बनता। अगर करंट ऐसे फ्लो होते इस डायरेक्शन में तो अंगूठा को ऐसे पकड़ते, देन इस तरीके से सर्कल दिखा रहा, मतलब कर्लिंग ऑफ फिंगर ऐसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो यही जजमेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से। और बाबू ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं जानोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, डायरेक्शन में फंस जाओगे, डायरेक्शन में फंस जाओगे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्लियर? नोट। ऐसे ही ये कहीं भी व्हाइट बोर्ड पे ऐसा सिंबल है, क्या दिखाता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। इट इंडिकेट आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसका जरूरत क्यों पड़ता है? जैसे मान लो कि अपने को एक इस फील्ड में, इस प्लेन में हमें बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखाना है, तो बाहर की तरफ कैसे डायरेक्शन दिखाएंगे? चलो ऊपर नीचे अगल बगल तो दिखाना तो दिखा देंगे, इधर 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 इधर, बट बाहर की तरफ दिखाना है तो पेन से तो नहीं दिखा सकते है ना। एरो दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बाहर की तरफ? एरो में कैसे दिखाएंगे अंदर की तरफ? तो उसके लिए दो स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया गया है। सर्कल बनाकर डॉट कर दिया, मतलब इट इंडिकेट आउटवर्ड डायरेक्शन, और सर्कल बना के क्रॉस कर दिया, मतलब इट इंडिकेट इंडिकेट इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन किसी भी प्लेन में दिखाने के लिए सर्कल बना के क्रॉस करो, और आउटवर्ड डायरेक्शन बनाने के लिए सर्कल बना करके डॉट करो। ये दो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है नोटेशन के लिए, कहीं भी किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। क्लियर? चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन तो देख लिए मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड थंब रूल से, अब कितना वैल्यू का आएगा, कितने वैल्यू के आएंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको जानने के लिए अपने को पढ़ना है बायोट सेवर्ट लॉ। हेडिंग डालेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट SAVERT। ये लॉ भी एक्सपेरिमेंटल है, कोई प्रूफ नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन का जो लॉ है, ऑब्जर्व वैल्यू है, न्यूटन के माथे पर न सिर्फ गिरता न लॉ आते, वैसे ही ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। और जानते हो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का कोई प्रूफ नहीं होता है, इसके कोई प्रूफ नहीं है, इनके स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मानते हुए हम लोग एक लॉ बनाते हैं। तो बायोट सेवर्ट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया, अलग अलग साइंटिस्ट का जो भी है, और इन्होंने देखा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को किसी वायर से या किसी करंट कैरिंग वायर से, डिस्टेंस का फैक्टर, एंगल का फैक्टर, करंट के वैल्यू का फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किए और फाइनली कुछ रूल इन्होंने दिया। इनमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, जैसे मान लो हम किसी भी जिगजैग शेप का, किसी भी जिगजैग शेप का हम करंट कैरिंग वायर बना दिए, इस करंट कैरिंग वायर में ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। एक बहुत छोटा सा हम सेक्शन यहाँ पर उठाए, एक बहुत छोटा सा सेक्शन उठाए जिसका लेंथ हम बोल रहे हैं DL, छोटा सा सेक्शन जिसका लेंथ DL, यहाँ से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, कौन कौन वेरिएबल हो गया? एक तो करंट एलिमेंट के साथ एंगल थीटा, दूसरा एक पोजिशन फैक्टर r करंट एलिमेंट से, और तीसरा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट जिसका करंट कितना है आई। इस तरीके से ये वायर का हम शेप ऐसे ही जिगजैग बना दिए, किसी भी शेप में स्ट्रेट कर कोई भी शेप का एक वायर हो सकता है, हमने एक जिगजैग शेप का वायर बना दिया। तो इन्होंने कहा क्या, इट स्टेट्स दैट
पहला द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एलिमेंट, लेंथ ऑफ करेंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करेंट एलिमेंट. करेंट एलिमेंट मतलब छोटा सा जो हम सेक्शन कट किए ना वायर से, इसी छोटे से सेक्शन को बोलते हैं करेंट एलिमेंट. यहाँ सिंबल से देख लो, ब्रैकेट में डीएल डाला हुआ. किसी भी करंट कैरिंग वायर के छोटे से लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट डीएल मींस डी प्रोपोर्शनल टू छोटा सा लेंथ डीएल. तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर. करेंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका साइन. मीन्स बी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तीसरा स्टेटमेंट एंड चौथा स्टेटमेंट आप यहीं लिख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ पोजिशन वेक्टर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ लेंथ ऑफ पोजिशन वेक्टर. मीन्स चौथा बन जाएगा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यही चार ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के लेंथ मतलब करंट कैरिंग वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पर थीटा क्या है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, और चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब वायर से कितना दूरी, वायर से कितना दूरी. इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को कंबाइंड करो, कंबाइंडिंग ऑल फोर इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे देन क्या मिल जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा के डायरेक्टली और आर स्क्वायर के इनवर्सली. अब इसको जैसे ही अब इक्वेट करेंगे कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट चाहिए, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आता है, ये वैल्यू होते हैं म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जहां पर फोर पाई तो कॉन्स्टेंट है और म्यू नॉट को बोलते हैं फेयर. म्यू नॉट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या मिल रहा है म्यू नॉट, और इस म्यू नॉट को क्या बोल रहे हैं परमियाबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का क्या है, परमियाबिलिटी है, सही है। और इस म्यू नॉट बाई फोर पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाई फोर पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, क्या होते हैं लिखते हैं, फिलहाल इतना लिखो आप, तो यही है बायोट सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट। एग्जाम में बार बार पूछता है कि व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ, राइट इट्स स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट पूछे तो यहां तक लिख करके छोड़ देंगे। यहाँ म्यू नॉट बाई फोर पाई पूरा पूरी कॉन्स्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या निकलता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस पूरे का कुछ वैल्यू होता था 9×10⁻¹। वैसे ही यहाँ पर एक फिक्स कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π×10⁻¹। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π×10⁻¹। मतलब म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, 10⁻¹। मीन्स कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 10⁻¹। इसके यूनिट को देखो, यूनिट निकालने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ टेस्ला मीटर स्क्वायर बाई एम्पियर इंटू मीटर, इस पूरे म्यू नॉट बाई फोर पाई का अगर यूनिट निकालते हो, ये निकल गया। अब यहां एक साइड से देखो, यूनिट ऑफ म्यू नॉट का यूनिट निकालो, तो जैसे ही आप म्यू नॉट को निकालने का कोशिश करोगे तो म्यू नॉट को अलग करोगे तो क्या निकलोगे, बी बाई आर स्क्वायर इंटू आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4π इंटू बी इंटू आर स्क्वायर बाई आइडियल साइन थीटा, 4π यूनिटलेस, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है टेस्ला, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर बाई करेंट एम्पियर, डी एल लेंथ वापस से मीटर इंटू साइन थीटा यूनिटलेस, मतलब वैल्यू क्या आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट का यूनिट क्या निकल गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर डाल देते हैं टेस्ला। एक्चुअली हम ये एनसीईआरटी के कारण, एनसीईआरटी ने जो चैप्टर 5 में दिया है वो हम पहले पढ़ाते थे, क्योंकि उनका यूज इस चैप्टर नंबर 4 से पहले होता है, बट एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 4 में ये सब दिया है, इसी कारण पहले इस बार ये पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर नंबर 5 पहले पढ़ा के तब 4 पढ़ाते थे। उन चीज़ों में पहले अपने को पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह वगैरह चीज़ों को डील करना है, बट इस बार हम ये सब चीज़ डील कर दिए हैं पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फिलहाल आप यूनिट देखो क्या होता है, टेस्ला, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन सब चीज़ों पर ब्रॉडली डिस्कस किया जाएगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे वहां पर, फिलहाल अभी इतना जान लो। तो म्यू नॉट का यूनिट क्या निकल गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये ध्यान देना लिखना कैसे है, इसके बाद ये लिखने हैं, देन यूनिट ऑफ दिस एक पॉइंट देकर ये लिखने हैं, देन फाइनली ये लिखने हैं। तो आपको आज बायोट सेवर्ट लॉ से एक्सप्रेशन निकल गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से थीटा एंगल आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड मिलेगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो चुका है, फिर कल हम लोग इन बायोट सेवर्ट लॉ के, तो आज हम लोग स्टेटमेंट को देखे, अब अलग अलग ज्योमेट्री का करंट कैरिंग वायर होगा उसके कारण किसी पार्टिकुलर पोजिशन पर फील्ड कितना बनेगा, इन चीज़ों को निकालेंगे, मतलब बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखें, और जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में चीज़ों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके।
और एक और चीज बार बार हम कह रहे हैं कि तुम लोग वीडियो पे लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हो, कम से कम लाइक कमेंट कर दिया करो ताकि पोटेंशियल वहीं से मिलता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।